प्रवासी मजदूरों से भरी मैक्स पिकअप बिजली के पोल से टकराकर पलटी। दो मजदूरों की मौके पर दर्दनाक मौत, लगभग डेढ़ दर्जन मजदूर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों मजदूरों के शव भी पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। गुजरात के सूरत से यूपी के बिजनौर जा रहे थे प्रवासी मजदूर। बुलंदशहर के दिल्ली बदायूं हाईवे के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खखुड़ा गांव के पास हुआ हादसा। सूरत से नगीना बिजनौर 22 लोग थे, बिलोरो पिकअप से खुद ही पलट गई, वो ना भी पलट गई थी, फास्ट भी नहीं थी और खुद ही पलट गई, पता नहीं जाने जिसमें से ये सबके चोट आई है, कोई ऐसा नहीं है, सबके थोड़ी बहुत सबका आई है, दो एस पार हो गए हाथों हाथ, मतलब हमारे बाजू के गांव के हैं, वहीं कुमिरतनाकर है, वहाँ का एक निजामू नाम है, एक लड़का का, एक का नाम का, दूसरे का मुझे मालूम नहीं है, दो तीन लड़के एस फायर हो गए, तीन हो दिखे हैं, देखे नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए। देखिए हम लोग अभी अहमदगढ़ थाना एरिया में हैं, बुलंदशहर में। कुछ लोग गाड़ी रिजर्व करके ले जा रहे थे, हायर करके, वो लोग 18 के रात में गुजरात के सूरत से चले थे। जैसा उन लोगों द्वारा बताया गया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, शिवपुरी जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से कल मिडनाइट में वो लोग फिर दूसरी गाड़ी से चले और कंटिन्यूस ड्राइविंग करके आ रहे थे, विथ मिनिमल ब्रेक बीच में लिया था उन लोगों ने। आज यहाँ पर बिजली के खंभे जो टूटे पड़े हैं उससे गाड़ी टकरा गई और उसमें दो लोगों की मौत हो गई। वो लोग नगीना बिजनौर के थे। दो लोगों की जिनकी मौत हुई है उनके डेड बॉडी को हम लोगों ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पांच लोग थोड़े गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें CHC शिकारपुर सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और भी कुछ लोग घायल हैं, लगभग 7 लोग और घायल हैं, उन्हें CHC शिकारपुर में इलाज करवाया जा रहा है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।